माने एक्टर शाहरुख खान के फिल्म जवान का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पठान के बाद फैंस अब शाहरुख खान को फिर से एक्शन मोड में देखने के लिए काफी बेताब हो रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का गाना जिंदा बंदा रिलीज किया गया, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया है। इस गाने को 31 जुलाई को रिलीज किया गया है और लोगों ने इस पर खूब जमकर प्यार भी बरसाया। इस गाने के रिलीज होते ही 24 घंटों के भीतर मिलियन का लाइक्स आना शुरू हो गया। गाने के इस वीडियो में शाहरुख खान हजार महिला कलाकारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले इस गाने की शूटिंग में 15 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस गाने को YouTube पर केवल एक दिन में 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। फैंस को किंग खान का ये लेटेस्ट गाना खूब पसंद आ रहा है, जहां शाहरुख खान ने जमकर डांस किया है। अब सबसे दिलचस्प की बात यह है कि इस गाने को 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया। जिंदा बंदा गाना तेलुगु और तमिल भाषा में लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस गाने को अपनी आवाज और धुन से प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध ने गाया है। इसके अलावा किंग खान के एनर्जेटिक डांस ने वीडियो पर चांद चांद लगा दिया। इस फिल्म को इटली ने डायरेक्ट किया है और जवान को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब एक्टर की वर्क फ्रंट की बात करें तो इस फिल्म के बाद शाहरुख खान जल्द ही डंकी मूवी पर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर हिरानी और शाहरुख खान पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फैंस को इस फिल्म का भी लंबे समय से इंतजार है। अब तक की जानकारी के अनुसार इसे इसी साल दिसंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा।